नमस्कार, मैं आचल लोखंडे। महाराष्ट्र टीवी 24 के खेल समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खेल जगत के कुछ अहम खबरों पर। क्रिस गेल के 38 गेंदों पर 67 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 141 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 31 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट पर 142 रन बनाकर आसान से लक्ष्य हासिल किया। भारत के 1983 विश्व कप के नायक यशपाल शर्मा का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 67 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। यशपाल के एक पूर्व साथी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, यशपाल हमारे बीच नहीं रहे। हमें अभी उनके परिवार से यह सूचना मिली। यशपाल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 47 टेस्ट मैचों में 1606 रन और 42 वनडे में 883 रन बनाए। उन्हें अपने जुझारू के लिए जाना जाता था। विश्व कप 1983 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी अर्धशतकीय पारी क्रिकेट प्रेमियों को हमेशा याद रहेगी। वह राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे थे। आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लगातार बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसने 40.2 ओवरों में 4 विकेट और 195 रन बनाए। इसके बाद बारिश के कारण आगे खेल नहीं हो पाया। आयरलैंड के कप्तान एंडी बालबिरनी ने 79 गेंदों पर सर्वाधिक 65 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल हैं। उन्होंने सलामी बल्लेबाज विलियम पोर्टरफील्ड के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की। पोर्टरफील्ड ने 9 चौके लगाए। तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने 8.2 ओवर में 83 रन देकर 2 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा वनडे मंगलवार को खेला जाएगा। इटली की फुटबॉल में सुखद वापसी हो गई है, लेकिन इंग्लैंड का किसी बड़े खिताब का पिछले 5 दशकों में से भी अधिक समय से चला आ रहा पीड़ादायक इंतजार बदस्तूर जारी रहा, और यह केवल एक पेनल्टी शूटआउट के कारण हुआ। इटली ने रविवार को रात को खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 का खिताब जीता। दोनों टीमें नियमित और अतिरिक्त समय तक 1-1 से बराबर थी, लेकिन यह दूसरा अवसर है जबकि इटली यूरो चैंपियन बना। खेल समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।